लव यू टू ऑल ऑफ यू डिवाइन क्रिएचर, होप यू विल बी फाइन. लिसन केयरफुली, बिहार के जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज अटेंशन. बीपीएससी हो, एसआई हो, सेक्रेटरी लेवल एग्जाम हो, सीडीपीओ हो, पटवारी का हो, क्लर्क का हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, सीटेट का हो, किसी भी चीज का हो, प्रोफेशनल लेक्चरर किसी का हो, अगर बिहार से कंसर्न एग्जाम देते हैं तो हिंदी भाषा को लेकर के एक व्यक्ति को जान लीजिए, क्योंकि यह सवाल बनेगा और बहुत जल्दी भारत सरकार तो छोड़िए, बिहार की सरकार इसे अवार्ड भी देगी. क्या एक व्यक्ति है जो सामने है बीचों बीच, जिनका नाम है डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी. ये डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जो हैं, कहां के हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है. ध्यान देंगे, भारत में बिहार और बिहार का बॉर्डर नेपाल से, नेपाल का बॉर्डर चीन से. ध्यान देंगे, बिहार में एक वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वाल्मीकि नगर नाम का जगह है, वहीं बगल में एक छोटा सा प्रखंड है बगहा ब्लॉक. बगहा के रहने वाले डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जो हैं, वो चाइना में रह रहे हैं और चाइना में उन्होंने क्या क्या चाइनीज भाषा को सीखा और हिंदी भाषा से वहां पे रिसर्च किया और चाइना में हिंदी को फैलाने का बड़ा काम किया है. पिछले कई वर्षों से वो चीन में रहकर हिंदी भाषा को फैला रहे हैं और इस हिसाब से वहां पीएचडी किया है और बहुत सारे नहीं हजारों हजार लोग वहां हिंदी सीखे हैं. आइए विवेक मणि के बारे में थोड़ी सी बात करें. ये बिहार से हैं और बीपीएससी में इनका सवाल दौड़ेगा क्या, तो देखिए जरा 5-6 पॉइंट ध्यान देना है. वैसे तो 1942 से हिंदी भाषा पढ़ाई जाती रही है चाइना में, 1942 से. पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया. दूसरे पॉइंट पर आ जाइए. अब क्या है, चीनी विद्वान भारतीय साहित्य का चीनी भाषा में बहुत अनुवाद कर रहे हैं. वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया, विक्रमोवर्षीय का, महाभारत का, मनुस्मृति का, मैला आंचल, निर्मला जैसी किताबें चाइनीज लैंग्वेज में हो चुके. ये सभी चाइनीज गर्ल्स हैं और ये हमारे इंडियन हैं और ये सब हिंदी बढ़िया से जानते हैं. ध्यान देंगे, आज चाइना के 17 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है. बिहार के बगहा प्रखंड के बांस गांव के मंझरिया मूल के नीस निवासी डॉक्टर विवेक मणि जो हैं, वो क्वांतोंग विदेशी विश्वविद्यालय में चीनी भाषा सीखा और मैला आंचल पर और एक चाइनीज बुक पाइलू का इन्होंने इस पर पीएचडी की है. ठीक है, अब आइए हम देखें तो अब हम देखते हैं. अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 17 जनवरी से 10 मार्च तक इन्हें हिंदी पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है. किनको? विवेक मणि त्रिपाठी को. याद रखिएगा, कुल मिलाकर के हमने देखा कि भारत अध्ययन केंद्र चीन के 15 विश्वविद्यालयों में भी मौजूद है. कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि ये विवेक मणि त्रिपाठी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं और यह सवाल बीपीएससी में पूछ देगा. ओके, डन.